तो दोस्तों फिर एक दिन एक नई जर्नी के साथ आ गया हूँ मैं आपके साथ। अभी मैं हूँ शिमला के मॉल रोड के पास और अभी मैं जा रहा हूँ शिमला की टॉय ट्रेन का ट्रैवल करने और दिखाऊंगा आपको किस तरीके से करते हैं ट्रैवल और कैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। मिलते हैं ऐसे आपसे सीधा टॉय ट्रेन के स्टेशन पे और दिखाते हैं आपको टॉय ट्रेन की जर्नी जो कि होगी हमारी शिमला से कालका तक। तो मिलते हैं आपसे सीधा कालका स्टेशन पे। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके का है यहाँ का स्टेशन। अभी फिलहाल बारिश हुई है यहाँ पे। ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। स्टेशन को यहाँ से आप साफ स्टेशन को देख सकते हैं। सामने खड़ी है हमारी ट्रेन जो कि जाएगी यहाँ से ठीक 3:55 पे और अभी टाइम हो रहा है 12:30। तो चलते हैं सीधा अंदर। ये स्टेशन है, यहाँ प्लेटफॉर्म से आप टिकट भी कर सकते हैं और ये रास्ता सीधा आपका जाएगा नीचे सीधा प्लेटफॉर्म तक। तो चलते हैं हम भी प्लेटफॉर्म की तरफ। चुकी दोस्तों हमारी ट्रेन कुछ इस तरीके की है हमारी ट्रेन है और अभी थोड़ी देर में हम अंदर भी जब एंट्री चालू हो जाएगी तो आपको अंदर से भी दिखाएंगे इसका। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ एंट्री चालू हो जाएगी और फिर हम करेंगे इसके अंदर एंट्री और दिखाएंगे आपको इसके अंदर का लुक कैसा रहता है और कैसी रहेगी हमारी जर्नी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में सीधा ट्रेन के अंदर। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की है हमारी ट्रेन। कार्टन्स लगे पड़े हैं, फिलहाल ट्रेन में कोई नहीं है। एसी लगा हुआ है, काफ़ी स्पीशियस चेयर ट्रेन है। ये एग्जीक्यूटिव क्लास है जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी है करीब 650 रुपये और IRCTC से आप इसे बुक कर सकते हैं। उसका भी प्रोसेस हम बताएंगे आपको। अभी इंतज़ार कर रहे हैं इस ट्रेन के चढ़ने का। इसमें दिया है ये चार्जिंग पॉइंट भी दिया है, पर्सनली आप यूज़ कर सकते हैं। टेबल है जिसपे आप बैठ के रख के कुछ खा सकते हैं। लाइटिंग ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों साइड इसमें AC इंस्टॉल्ड है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और पीछे भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है इसमें। तो वेट कर रहे हैं अभी हम इसके चलने का और जब ये चलेगी तो अच्छे नज़ारों से गुजरेगी और दिखाएंगे आपको कुछ अच्छे नज़ारे और हिमाचल की शिमला में कैसा रहता है वेदर आगे देखते हैं इस व्लॉग में। तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।
तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग कालका स्टेशन पे। ये गाड़ी हमारी पीछे ट्रेन जो हमें लेके आई है, और ये है देखिए कालका का स्टेशन, और इसकी पूरी कॉस्ट और जानकारी देंगे थोड़ी देर में। मिलते हैं आपसे सीधा घर पे और आपको बताएंगे इसकी कॉस्ट और जानकारी के बारे में कि कैसे मैंने टिकट बुक करी और कैसे आप इस ट्रेन में जा सकते हैं और कैसे बैठ सकते हैं। चलिए एक करके डब्बा लेके मिलते हैं आपसे सीधा घर पहुंच के और बताते हैं आपको बाकी की जानकारी। बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले फेयर की, शिमला से कालका टॉय ट्रेन का। तो फेयर जो इसका है करीब 645 रुपये हैं पर पर्सन, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप विंडो सीट ले सकते हैं, और अगर आपके साथ आपका पार्टनर या आपको कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप ज़्यादा सीट भी बुक कर सकते हैं। ये आप IRCTC के ऐप द्वारा भी कर सकते हैं, या किसी भी जो IRCTC से लिंक ऐप हो उससे भी कर सकते हैं, चाहे PTM हो, गूगल पे हो, इनसे भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। इसकी मेन बात कि जब आप टिकट के लिए IRCTC ऐप पर जाएंगे तो कभी भी शिमला यानी SHIMLA शिमला ना डालें, क्योंकि इससे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप क्लियर डालें उसमें SIMLA, ये जब आप डालेंगे तभी आपको शिमला का स्टेशन दिखेगा। इसको आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद डेस्टिनेशन सिलेक्ट कीजिए कालका। कालका यानी कि एंड डेस्टिनेशन है, और ये जो हमारी ट्रेन होती है ये 3:55 पे शिमला से निकलती है, दिन के 3:55 के, और रात में ये करीब 9 तक पहुंच जाती है। इस 6 के भीतर आपको ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट मिलेंगे जिससे आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आप दो चीज़ें खासकर कर लें। पहला, अपनी वाटर बॉटल वगैरह अपने साथ रख लें, और दूसरा, या तो आप खाना खा करके जाएं या ट्रेन में ले करके जाएं, क्योंकि ट्रेन में कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे, या केटरिंग सर्विस नहीं है जो आपको खाना प्रोवाइड करा सके आपके ट्रैवल के दौरान। तो आप अपने साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा खाने के लिए ले जाएं, जो कि आपसे 5-6 के बीच में आपको ऐसा ना लगे कि आप भूखे और आप ट्रैवल का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। और करीब आप 3 तक स्टेशन पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। आप 1 प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाएं और वहां से आपको ये ट्रेन मिल जाएगी। और एक बात और कि आप वहां बंदरों से स्टेशन पर, शिमला के स्टेशन पर बंदरों से सावधान रहें, क्योंकि वो लोगों का सामान अक्सर चुरा लेते हैं। तो इसका खासकर ध्यान रखें और अपने सामान की आप स्वयं देखभाल करें। और रात में जब कालका से आप 9:55 पर कालका पहुंच जाएंगे, उसके बाद चाहें तो आप दिल्ली की ट्रेन ले सकते हैं, मुंबई, जहां की चाहें आप वहां की ट्रेन ले सकते हैं, लेकिन आप प्री बुक करके चलें ट्रेन ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप कुछ भी आपको लगे कि मिसिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों की हेल्प हो सके शिमला से कालका ट्रैवल करने में। दोस्तों आप चाहें तो टिकट प्लेटफॉर्म पर भी जाकर बुक कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देखेंगे कि प्लेटफॉर्म दिया गया है और ट्रेन का टिकट काउंटर दिया गया है जहाँ पे आप जा कर के टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप जब प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं, मतलब टिकट काउंटर पर पहुँचते हैं, तो टिकट पहले से ही बुक हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि आप पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करके चलें। चाहे तो आप एक दिन पहले भी बुक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन टिकट, पर डिपेंड करता है कि
सीज़न है या नहीं है वो उस पर डिपेंड कर सकता है। मतलब मोस्टली टिकट एक दिन पहले तक भी अवेलेबल होती है, पर आप, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप पहले ऑनलाइन बुक कर लें, क्योंकि ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहीं आप पहुँच रहे हो और आपको ट्रेन ना मिले, टिकट ना मिले, तो फिर आपको हरेशमेंट होगी, इसलिए आप ऑनलाइन टिकट बुक करके चलें। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर दीपक पर पैगाम।